राम कृपालु निवरण की
साक्षात् भगवती ज्ञानदीप प्रदे गुरु मर्त्या सद्भिः श्रुतं तस्य सर्वं कुञ्जर शौचवत् एष वै भगवान् साक्षात् प्रधान पुरुषेश्वर योगेश्वरैर्विमृज्ञान्घ्रिर्लोको मन्यते नरं यमुना निकट तटस्थित वृंदावन कानने महारम्ये कल्पद्रुम तलभूमौ चरणं चरणो परिस्थाप्य तिष्ठन्तं घननीलं स्वतेजसा भासयन्तमिह विश्वं पीताम्बर परिधानं चन्दन कर्पूरलित सर्वांगं आकर्णपूर्णनेत्रं कुण्डलयुगमण्डित श्रवणं मन्दस्मितमुखकमलं सकौस्तु भोदारमणिहारं वलयाङ्गुलीयकाद्यानुज्ज्वलयन्तम् स्वलंकारां गलविलुलित वनमालं स्वतेजसा पास्तकलिकालनं गुञ्जारवालिकलितं गुञ्जापुञ्जान्निवते शिरसि भुञ्जानं सह गोपै
कुञ्जान्तर्वर्तिनं नमत मन्दारपुष्पवासित मन्दानिलसेवित परानन्दं मन्दाकिनी युतपदं नमत महानन्ददं महापुरुषं सुरभीकृत दिग्वलयं सुरभिशतैरावृतः परितः सुरभीतीक्ष्णपणमः सुरभीमं यादवं नमत धनी गुरुवर मद पुनन पुंज सो पाइए तू बनी दीन प्रपान रहो गुरु के नित सेवा सो ताहि जाइए मन से हरि को गुरु को सुनियो रसना सो सदा गुण गाइए तू भांगुर जीवन जानी मना क्षण जनि व्यर्थ गवाइए सब धामन वारो वृंदावन पे और वृंदावन हूँ गुरु धाम के वारो जो गुरु के पद प्रीति दूरी तो भजो चली आवे गो हरि मन भक्तन को गुरु राजो को धारण हारो हारण को गुरु होयन हो गुरु मेरो पालु सुभारन को गुरु होयन हो गुरु श्रीमान सद्गुरु सरकार की जय युगल सरकार की जय प्यारी प्यारी अम्मा की जय श्री भक्ति धाम मनगढ़ की जय राधा गोविंद धाम की जय राधा गोविंद धाम की महारानी माँ पद्मा की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्री कृपालु महाप्रभु की जय। प्रथमं सद्गुरुं वंदे श्री कृष्णं तदनन्तरं
गुरुः पापात् मना त्राता श्रीकृष्णस् त्वमलात्मना ब्रजे वसन्तं नवनीत चौरं गोपां गणानां चदुकूल चौरं अनेक जन्मार्जित पाप चौरं चौराग्र गण्यं पुरुषं नमामि श्रीमत्सद्गुरु चरण चंचरीक भगवत वृंद साधक गणों, कुछ देर हरि नाम संकीर्तन कर लेते हैं। तत्पश्चात जगत गुरु उत्तम श्री कृपालु जी महाराज के विषय में अनेक प्रकार की बातें बताई जाएंगी। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गो Oh.
श्री कृपालु महाप्रभु की जय। श्रीमत् सद्गुरु सरकार की जय। युगल सरकार की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जगत गुरुत्तम श्री कृपालु जी महाराज, इनका परिचय मैं क्या, संसार का कोई जीव नहीं दे सकता, मायाधीन। यहाँ तक कि बड़े बड़े विद्वान भी उनका परिचय नहीं दे सकते। जगत गुरुत्तम श्री कृपालु जी महाराज सर्वप्रथम वे केवल संकीर्तन ही कराया करते थे, जीवों को भगवत प्रेम के रस में सराबोर किया करते थे। भगवान के नाम रूप लीला गुण आदि का संकीर्तन करते हुए, किंतु जब देखा, और ये आप लोगों ने भी सुना होगा गीता में, कि जब जब धर्म की हानि होती है तब भगवान अवतार लेकर आते हैं। तो जब अधर्म फैल जाता है, यानी धर्म का ह्रास हो जाता है, अधर्म की प्रगति हो जाती है या अधर्म बढ़ जाता है, और लोग शास्त्र वेदों का अर्थ का अनर्थ करते हैं, आडंबर पाखंड चरम सीमा पर पहुंच जाता है, कर्मकांड वैदिक अनुष्ठान करके, यज्ञ इत्यादि करके, जब कथावाचक या संत वेश रूपधारी ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताता है और अनेक प्रकार के संसारी कार्यों को बताते हुए ईश्वर पथ बताता है, कहता है गीता का पाठ कर लो, रामायण का पाठ कर लो, भागवत का पाठ कर लो, माला जप लो इत्यादि, तब लोग ये नहीं कर पाते या यह मार्ग ईश्वर तक ले जाता है ये संभव नहीं है। ईश्वर पथ की तरफ इस मार्ग से हम चल पड़ेंगे या चलेंगे ये ठीक नहीं है, क्योंकि संसारी मनुष्य के लिए ये साधन सरल नहीं है, वो ये साधन नहीं कर पाता है। तो श्री कृपालु जी महाराज ने जब ये देखा कि जो बड़े बड़े विद्वान कहलाते हैं या जो बड़े बड़े कथावाचक कहलाते हैं, इन्हें सही सही तत्व ज्ञान नहीं है शास्त्र वेदों का, ये लोगों को पथ भ्रष्ट कर रहे हैं, तब इन्होंने यह बीड़ा उठाया कि लोगों को सही मार्ग दिखला करके, और हमारे शास्त्र वेद क्या कहते हैं, और सर्व सरल सुगम साधन क्या है ईश्वर प्राप्ति का, वो वेद शास्त्रों से ही कोट करके, उनके कोटेशन दे करके बताया हम सब जीवों को। बड़ी भारी धरोहर देकर वे
हमें गए हैं, उनके प्रवचन इत्यादि सुनकर के भी आपको पता चल जाएगा या चल गया होगा कि विद्वत्ता में कितने श्रेष्ठ हैं। और उन्होंने ईश्वर प्राप्ति का सरल सुगम साधन बताया, साथ ही भगवान के गुणगान इत्यादि का गान करते हुए, संकीर्तन करते हुए, अपने संकीर्तनों में समस्त शास्त्र वेदों का सार भर दिया। और प्रेम रस सिंधु में सराबोर कर दिया। उनके कीर्तनों की एक एक लाइन हृदय स्पर्शी है। यदि कोई जरा भी ध्यान लगा करके उन कीर्तनों को सुने, पढ़े, तो स्वयं महसूस करेगा। तो जगत गुरु उत्तम श्री कृपालु जी महाराज को यह उपाधि सन 1957 14 जनवरी के दिन प्राप्त हुई थी। तो आज का दिन हम सभी साधक गणों के लिए तो है ही खुशी का दिन, लेकिन मेरा तो ऐसा मानना है कि पूरे संसार के लिए ही आज खुशी का दिन है। क्योंकि सही तत्व ज्ञान, वेद शास्त्रों का जो हम नहीं जान सकते, और ये इतने सारे हमारे ग्रंथ हैं हिंदू धर्म में, एक एक ग्रंथ को पढ़ने में पूरी उम्र बीत जाए, और वो भी कम पड़ जाए शायद। तो समस्त शास्त्र वेदों का निचोड़, समस्त शास्त्र वेदों का हमें एक समुद्र से एक घड़े में भर दिया, इतना अलौकिक ज्ञान जो हमें देकर गए, मार्ग बताकर गए। काशी विद्वत परिषद सभा जो काशी बनारस में है, वहां प्रकांड विद्वान, यानी एक एक की नॉलेज, जिन्होंने सारे जीवन एक एक ग्रंथ पर रिसर्च की, ऐसे 500 विद्वान, कोई सांख्य का, कोई मीमांसा का, कोई यजुर्वेद का, कोई सामवेद का, कोई ऋग्वेद का, कोई गीता का, कोई भागवत का, कोई रामायण का, इस प्रकार से 500 विद्वान जिनकी प्रकांड नॉलेज। अब उनकी नॉलेज के सामने कोई जन साधारण विद्वान टिक नहीं सकता, इतनी भारी उनकी नॉलेज, इतनी विद्वत्ता उनके अंदर। उन सब ने श्री गुरुदेव को, मेरे श्री महाराज जी को, जगत गुरु कृपालु जी महाराज को शास्त्रार्थ के लिए बुलाया और उनसे शास्त्रार्थ किया। लेकिन शायद आप लोगों ने पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा शास्त्र वेद कि उनमें अनेक विरोधी बातें हैं। एक जगह कहा कर्म वंदनीय है, दूसरी जगह उसी वेद में कहा गया कर्म निंदनीय है। इस प्रकार की अनेक विरोधी बातें हैं। तो उन सबका हम किस प्रकार से समाधान पा सकेंगे? अरे रामायण जिसको हम बहुत सरल समझते हैं, उसमें भी इतनी विरोधी बातें हैं कि जिसको हम नहीं समझ सकते। एक ही बात के लिए तीन प्रकार की चौपाइयां बना दी। अब हम जन साधारण तो बेचारा अचंभित हो जाएगा कि कैसे माने, कैसे करें, क्या करें। वो नहीं कर पाएगा। तो वो मार्ग कैसे जाने, कौन बताएगा?
और ये सब जिम्मेदारी तो संत गणों की ही है कि लोगों को सही मार्ग दिखा करके ईश्वर प्राप्ति कराए, ईश्वर मार्ग पर अग्रसर करे। तो जब मेरे श्री गुरुदेव जगत गुरु नहीं बने थे, उसके पहले वे केवल प्रवचन थोड़ा बहुत दिया करते थे, अगर कहीं जरूरत होती साधक गणों के बीच में ही, और पब्लिक स्पीच भी दिया करते थे। तो जब काशी विद्वत परिषद में जब महाराज जी का प्रवचन हुआ और जब महाराज जी ने वैदिक संस्कृत में प्रवचन देना शुरू किया, वैदिक जो संस्कृत है वो बहुत कठिन होती है। एक तो साधारण संस्कृत होती है, एक संस्कृत होती है जो कठिन होती है, और एक उससे भी कठिन वैदिक संस्कृत होती है जिसे केवल सरस्वती, बृहस्पति या महापुरुष ही समझ सकते हैं, जन साधारण नहीं समझ सकता, और यह बहुत प्रकांड विद्वान हो वही समझ सकता है। तो 500 विद्वानों में केवल एक को ही समझ में आ रहा था वो संस्कृत जो महाराज ने बोली, बाकी किसी को नहीं समझ में आ रही थी। वो बाद में उन्हीं ने डिक्लेयर किया ये सब चीज़ों को, बड़ी बड़ी महाराज को उपाधियों से सम्मानित किया। तो देखिए, जगत गुरु ये इसलिए बनाया जाता है क्योंकि संसार में धीरे 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 पाखंड का आवरण छा जाता है, लोग पाखंड की ओर अग्रसित हो जाते हैं, जहां देखते हैं भीड़ ज्यादा है बस वहीं चल देते हैं, वो चाहे सही बोले गलत बोले जो बोले मान लेते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं जहां ज्यादा भीड़ है इसका मतलब वो बड़ा संत है। इस प्रकार से हम लोग संतों की परिभाषा करते हैं। तो जब बहुत अधिक पाखंड आडंबर और गलत पथ दिखाने वाले बढ़ जाते हैं, तब जो जनसाधारण लोग हैं वे घबरा जाते हैं। इसलिए क्योंकि जो उन्हें बताया जाता है कि इस प्रकार से भक्ति करो या इस प्रकार से भगवान का भजन करो या इस प्रकार से भगवान की पूजा पाठ करो, और जब उसका फल नहीं मिलता वह अशांत दुखी परेशान रहता है जीव, तो अनेक प्रकार के अधर्म के कार्य करने लग जाता है। दयामय प्रभु जब ये सब देखते हैं तो वे स्वयं या तो अवतार लेकर आते हैं या अपने जन को भेज देते हैं। बड़ी बड़ी विभूतियां आती हैं, 500 वर्ष पूर्व तो पूरे संसार में अनेक महापुरुषों ने घेर लिया हमारी इंडिया को, सूर मीरा तुलसी कबीर तुकाराम जी सब एक साथ चले आए थे। इस पृथ्वी पर भक्ति का प्रचार किया और स्वयं करके दिखलाया और हम सबको जागृत किया भक्ति की तरफ। लेकिन धीरे धीरे उनके जाने के पश्चात फिर धीरे धीरे पाखंड का आवरण चढ़ जाता है, उसे हटाने के लिए वापस स्वयं प्रभु को आना पड़ता है या अपने जनों को भेजना पड़ता है हम लोग को सही मार्ग दिखलाने के लिए, सही वेद शास्त्रों का ज्ञान देने के लिए। तो जगत गुरु का मतलब है संपूर्ण विश्व का गुरु। ऐसे तो बहुत सारे हैं जगत गुरु। तो जो आजकल हैं वे गद्दीधारी हैं कुछ तो, और कुछ अपने आप बने बनाए, लेकिन महाराज जी अपने आप बने बनाए नहीं है। जगत गुरु का मतलब होता है कि जिसकी नॉलेज की टक्कर में दूसरे किसी और की नॉलेज ना हो, और हर शाखा में, खाली ऐसा नहीं कि हाँ खाली वेदों में हो ना, जितने भी ग्रंथ हैं सनातन ही नहीं अन्य जितने भी ग्रंथ हैं, वो चाहे कुरान हो चाहे बाइबल हो चाहे कोई सा भी धर्म की हो, चाहे ताओ धर्म हो चाहे लाओत्सी धर्म हो चाहे कन्फ्यूशन धर्म हो चाहे जैन दर्शन हो चाहे बौद्ध दर्शन हो, जितने भी हमारे ग्रंथ हैं उन समस्त ग्रंथों की
कंबाइंड नॉलेज जिसके अंदर हो, समस्त ग्रंथों की नॉलेज सही सही, उसे जगत गुरु बनाया जाता है। लोगों की शंका का समाधान करने की योग्यता हो, वैसे जगत गुरु साधारण नहीं होता, वो क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ होता है। क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ का मतलब है, क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ का मतलब है कि जिसके पास ईश्वरीय प्रेम हो, यानी भगवत प्राप्ति जिसने कर लिया, और समस्त शास्त्र वेदों की जिसे नॉलेज हो, उसे महापुरुष कहते हैं, संत कहते हैं। खाली ग्रंथों की नॉलेज है वो तो शाब्दिक ज्ञानी है, वो महापुरुष नहीं है, खाली शाब्दिक ज्ञान है। शाब्दिक ज्ञान का ईश्वर से कोई मतलब नहीं है, ये शब्दों के ज्ञान से कुछ नहीं होता। प्रैक्टिकल हो, यानी जिसने भगवान का अनुभव कर लिया हो, भगवान को पा लिया हो, उसे कहते हैं क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष। वही हमें भगवान तक ले जा सकता है। अब संतों को कैसे पहचाने, कैसे हम संत के पास जाएं, कैसे पहचाने, सब तो अटकल पच्चू बताएंगे, कोई कहेगा वो संत है, कोई कहेगा वो, बातों में नहीं जाना है। हमारे ग्रंथ क्या बताते हैं संतों के विषय में? हमारे ग्रंथ कहते हैं जो क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो वो है महापुरुष। ठीक है, क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि वो क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है? तो उसका संग करना होगा, महापुरुष का संग करना होगा। यदि वो वास्तव में महापुरुष है तो आपके अंदर बदलाव आएगा, चेंजेस आएगा। क्या बदलाव आएगा? आपका प्रेम भगवान से होगा, बढ़ेगा। ये किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, वो स्वयं महसूस हो देगा, स्वयं पता चलेगा, बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, भगवान से हमारा प्रेम होगा तो उसकी क्या पहचान है, हम कैसे पहचाने हमको भगवान से प्यार है? ऐसे तो सब कहते हैं हमको प्यार है, हमें भगवान से बहुत प्यार है। उसकी यह पहचान है कि जब भगवान का नाम, रूप, लीला, गुण, धाम इत्यादि के विषय में जब विषय चलेगा या कीर्तन होगा भगवान का, भगवान का नाम, रूप, लीला, गुण, धाम इत्यादि से युक्त कीर्तन जब होगा, तब नेचुरल आपका मन भगवान में डूबेगा। जो कहते हैं ना, मन नहीं लगता, नहीं लगता, नहीं लगता, ये लगेगा नहीं, शुरुआत में तो लगाना पड़ेगा, लेकिन जब धीरे धीरे संतों का संग करने से जब ये मन लगने लगेगा तो हम कैसे पहचाने हमारा मन लग रहा है? तब एक चीज होगी कि आपकी आंख से आंसू निकलेंगे, संसारी दुखों के लिए नहीं, वो तो आंसू फालतू के आंसू हैं, भगवान से मिलन की एक तड़पन पैदा होगी, और वो तड़पन जब पैदा होगी तो वो जो तड़पन, जो विरह है भगवान से जो अब तक नहीं मिले हम, वो जो विरह है, वो तड़पन है, वो आंसुओं के रूप में बाहर निकलेगी। जब भगवान के लिए जो आंसू हो वो सही आंसू है। अगर ये सब नहीं हुआ तो वो कितना भी बड़ा महापुरुष हो हमारे काम का नहीं है, अगर ये सब नहीं हुआ तो। अगर हमारा प्रेम ही भगवान से नहीं हुआ, किसी का संग करने से प्रेम बढ़ा ही नहीं भगवान से, भगवान की लीलाओं में रुचि पैदा नहीं हुई, भगवान के गुणगान गाने में रुचि पैदा नहीं हुई,
भगवान के तीर्थ स्थल से हमारा प्रेम नहीं हुआ तो फिर हमारा प्रेम है कहाँ। जिस दिन हमारे मन में खलबली पैदा हो जाए, जिस दिन हमारे मन का लगाव हो जाए, जिस प्रकार से हम घर में स्त्री पति बाप बेटे से प्यार करते हैं, ऐसा ही प्यार उनसे हो जाए, ऐसा अनुराग पैदा हो जाए। कहा गया है ना, मिला ही ना रघुपति बिनु अनुरागा, बिना अनुराग, अनुराग का मतलब प्रेम। तो ये प्रेम पैदा ना हो, ये प्यार पैदा ना हो, तब तक हम जो भी कार्य करते हैं ईश्वरी संबंधी, जितने भी कार्य करते हैं, वो सब जीरो, उसका फल जीरो है। कितने भी कार्य कर लो, उन सब का फल जीरो आएगा। अगर आपने भगवान से प्रेम नहीं किया, प्यार नहीं हुआ, उनके गुणगानों में प्यार नहीं हुआ, भगवान की लीलाओं से प्रेम नहीं हुआ, तो फिर हम जितने भी साधन करते हैं, पूजा पाठ कर्म जितने भी कर रहे हैं, सब जीरो है, उसका कोई फल नहीं है। क्योंकि भगवान हमारे बाहरी व्यवहार को नहीं देखता। आप कितना तीर्थ करके आए, भगवान ने नहीं देखा। उन तीर्थों में जाते वक्त या वहां रहते वक्त आपका मन कहाँ था वो नोट किया जाएगा, आपका शरीर कहाँ था वो नहीं देखा जाएगा, आपने कितना दान किया वो नहीं देखा जाएगा, आपने कितनी श्रद्धा से दिया वो देखा जाएगा, आपने कितनी पूजा की वो नहीं देखा जाएगा, पूजा के वक्त आपका मन कितना भगवान में था केवल वही देखा जाएगा, उसी को भगवान नोट करेगा। आप मंदिर में खड़े हैं और आपका मन आपके बिजनेस में चला गया या संसार में चला गया, तो भगवान यही लिखेगा कि तुम उस समय अपने फैक्ट्री में थे। अजी नहीं जी, पूरी दुनिया ने देखा मैं मंदिर में था। हाँ, दुनिया ने देखा, लेकिन वहां रहते हुए भी तुम्हारा मन वहां नहीं था, माइनस था तुम्हारा मन। तो देखो, ये मन लगा दे कोई संत महापुरुष, उनके परिश्रम से ही लग सकता है, हमारे अपने परिश्रम से नहीं लगेगा, केवल उनके मेहनत से। महापुरुष ही कार्य कर सकता है कि हमारे गंदे मन को, हठीले मन को, जिद्दी मन को, जो संसार में दिन रात लगा है, उसे ईश्वर तक लगाने में केवल महापुरुष ही मेहनत कर सकता है। बहुत बड़ा आशावादी होता है महापुरुष, वो सबसे आशा लगा के रखता है कि ये भगवान की ओर चलेगा, तो अथाह प्रयास करता है, मेहनत करता है एक एक जीव को भगवान का बनाने के लिए। जहां जहां हम कुछ गलत कर रहे हैं, वो हमें तुरंत बताएगा, ये नहीं करो, ऐसा करो, सावधान करेगा। लेकिन जो जीव उनकी बातों को मान लेगा तो आगे बढ़ जाएगा, जो नहीं मानेगा वो संसार में ही चला जाएगा, फिर 84 लाख में घूमेगा, फिर कभी ऐसा बनाओ बैठा कि कोई वास्तविक संत मिल गया तो फिर उसकी बात मान ले, ये सबसे बड़ी बात है। महापुरुषों के बिना तो ये पृथ्वी खाली नहीं रहती, सदैव महापुरुषों का निवास है। अगर ऐसा ना हो तो पृथ्वी तो कब की पाताल चली जाए, पृथ्वी इतने पापियों का बोझ नहीं झेल सकती। आप लोगों ने रामायण इत्यादि में या भागवत में सुना होगा कि सब भगवान के पास गए थे, पृथ्वी भी गई थी कि प्रभु मैं पापियों का बोझ नहीं ढो सकती, आप आइए इस पृथ्वी को पावन कीजिए, पापों को अपना आपके आगमन से नष्ट हो जाएंगे इस पृथ्वी के, आप आइए। तब भगवान आते हैं, इस पृथ्वी के बोझ को हल्का करते हैं, और संत गण तो सदैव इस पृथ्वी पर रहते ही हैं। तो मेन चीज यह, हम उनकी बात मान लें, हमारी बुद्धि में उनकी बात जच जाए, और जच भी जाए तो उसको प्रैक्टिकल भी करें, तब काम बनेगा।
उसको प्रैक्टिकल नहीं किया अगर हमने, खाली उनकी बातों में हाँ हाँ किया और उसको नहीं प्रैक्टिकल किया, अपने जीवन में अप्लाई नहीं किया, तो फिर संत का मिलना भी बेकार चला गया, फिर कोई मतलब नहीं है अगर हमने संत के आदेश का पालन नहीं किया, उनकी बताई हुई साधना नहीं की। तो बड़े बड़े संत नहीं, स्वयं भगवान भी आ जाएं, तब भी वे हमारे काम के नहीं हैं, क्योंकि हमने उनकी बात मानी नहीं। तो जो कोई उनकी बात मान लेता है तो वो इस संसार रूपी भव सागर से उत्तीर्ण भी हो जाता है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम कितनी बात मानते। देखो, चार प्रकार के मेन पिलर्स हैं साधक के लिए जो भक्ति करता है। सबसे पहला, उसके अंदर तत्व ज्ञान होना चाहिए, ईश्वरीय तत्व ज्ञान, शास्त्र वेदों का, जो ग्रंथ बताते हैं, जो गुरु बताते हैं, वो सही सही होना चाहिए। नंबर दो, कि निश्चय हो, दृढ़ निश्चय कि मुझे भगत प्राप्ति के लिए अग्रसर होना ही है। तीसरा, युक्ति से, यानी तर्क वितर्क जो हमारे दिमाग में दिन रात गूंजते रहते हैं, तो तर्कों के द्वारा भी वो ये जाना रहे कि ईश्वर क्या है, भगवान को क्यों पाना है। और नंबर चार, प्रगाढ़ श्रद्धा हो भगवान में। ये चार जो मेन पिलर्स हैं, अगर इस पर हम ध्यान दें तो फिर हमारा पतन नहीं हो सकता, हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। और संग हमारा जब सात्विक रहेगा, अध्यात्म रहेगा, तो हम डगमगा नहीं सकते। कभी हमारे संस्कार खराब आ जाते हैं तो कभी हम लोग भक्ति से हट जाते हैं पीछे, लेकिन अगर हमारा संग सही है और महापुरुषों का संग कर रहे हैं, तो वे हमें सदैव सचेत करता हुआ मार्ग तक ले जाएगा। तो जगत गुरु कृपालु जी महाराज ने महापुरुष की पहचान क्या है बताया, ये संसार क्या है यह भी उन्होंने अपने प्रवचनों में बताया, जीव कौन है, किसका है, क्या करने आया है इस पृथ्वी पर यह भी बताया, ब्रह्म क्या है, उसे कैसे प्राप्त करें यह भी बताया, संसार क्या है, यहाँ हम क्यों आए हैं, क्या करना है हमें यहाँ आकर के, ये मानव देह का महत्व क्या है, इत्यादि अनेक काम की बहुमूल्य बातें जो ग्रंथों में वर्णित है बताई। साथ में यह भी बताया कि ईश्वर प्राप्ति के तीन मार्ग हैं, कर्म, ज्ञान और भक्ति, जिसमें इस कलयुग में केवल भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। पूजा द्वापर में पूजा का महत्व था, पूजा करके लोग ईश्वर को प्राप्त करते थे, लेकिन कलयुग में केवल 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 भक्ति, हरि गुणगान गा करके ही जीव भव सागर से उत्तीर्ण हो सकता है। तो गुणगान खाली जबान से नहीं, खाली वाणी से नहीं, गुणगान भीतर से हो, मन के द्वारा, यानी मन से रूप ध्यान, भगवान का एक मन के द्वारा ध्यान बनाते हुए, रूप बनाते हुए, फिर उनका हमें ध्यान करना है और अनेक प्रकार की लीलाओं का गुणगान जो गा रहे हैं आप, उसको गाते हुए, उनका ध्यान बनाते हुए हमें साधना करनी है। और इस साधना से क्या होगा, इस साधना से हमारा मन शुद्ध होगा। इस मन के अंदर अनेक खराबियां हैं, गड़बड़ियां हैं, क्या हैं, दिन रात हम सब स्वयं सोचे
कि कितना कितना गलत गलत सोचते रहते हैं, कितने कितने विचार आते रहते हैं, काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, अनेक प्रकार के माया के विकारों से जकड़ा हुआ हमारा मन अनेक प्रकार की गंदी गंदी बातें सोचता है। यहाँ तक कि मंदिर में बैठ के भी कभी कभी हमारा मन कितनी गंदी गंदी चीजें सोचने लग जाता है, और उसी मन के भीतर भगवान भी बैठे हैं। जो हमारे एक एक विचार जो हम सोच रहे हैं वो खाली नहीं जाता, भगवान उसको नोट करता रहता है अंदर बैठ के, तभी तो फल देगा। वो नहीं, भीतर बैठ के सब एक एक विचारों को लिखता रहता है, इसने क्या सोचा, अब क्या सोच रहा है, अब क्या बोल रहा है, मंदिर में बैठ के मेरे ऊपर मोहित नहीं हो रहा, ये तो संसार की बातें सोच रहा है, और आया मुझसे मिलने, भगवान सोचता है आया तो मुझसे मिलने, लेकिन यहां बैठ करके भी ये तो अपना संसार लेकर आ गया मन के अंदर। तो इस मन से भगवान का ध्यान करना है और भगवान के गुणगान गाना है, यही सबसे सरल मार्ग है, यानी श्रवण कीर्तन और ध्यान, ये तीन मार्ग बताए हैं कलयुग में। बाकी जितने भी और साधन हैं, उन साधन पहली बात तो है ही बहुत कठिन, कहत कठिन समुझत कठिन, साधन कठिन विवेक, कहना भी कठिन और उसको करना भी कठिन और साधना उसकी कठिन है। तो इतनी कठिन चीजें कलयुग में कोई कर ले असंभव है, तो बड़ा सरल मार्ग बताया कि केवल उनका ध्यान कर लो, उनसे प्रेम कर लो। कोई कहे हमें प्रेम करना नहीं आता, ये तो आप झूठ बोल रहे हैं, प्रेम करना तो सबको आता है, करते हैं दिन रात संसार में, कर ही रहे, केवल भगवान से अब तक नहीं किया इसलिए हमारा काम नहीं बना। गुणगान तो देखो सब गा रहे, कितने जागरण हो रहे हैं, कितने कीर्तन चल रहे हैं, और 99% तो बिजनेस ही बना लिया कीर्तनों को, भजन मंडली बना लिए जो केवल म्यूजिक पर चलते हैं, उसी में सब झूमते रहते हैं। लेकिन जब इस बात पे विशेष ध्यान देंगे जो जगत गुरु कृपालु जी महाराज ने बताया है कि मन को भगवान से जोड़ना है, अगर मन नहीं जुड़ा तो फिर उसका कोई लाभ नहीं है। और इसका एक उदाहरण श्री महाराज जी ने अपने प्रवचन में दिया जो बहुत काम का है हम सभी लोगों के लिए, इसी विषय पर दिया। किसी ने प्रश्न किया था कि हम तो इतना दिन रात भगवान का भजन कीर्तन करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारे मन में अभी भी काम क्रोध लोभ बहुत भरा है, वो निकलता ही नहीं है, क्यों? तो श्री महाराज जी ने कहा वो इसलिए नहीं निकला क्योंकि मन को अभी भगवान में नहीं डुबोया। जब भगवान में डुबोएंगे तभी तो माया के विकार जाएंगे। तो नहीं समझ पाए वो व्यक्ति, तो श्री महाराज जी ने एक एग्जाम्पल दिया कि आप लोग गंगा में स्नान के लिए जाते हो? हाँ। क्यों? अरे ताकि हमारे पाप धुल जाए। अच्छा, तो गंगा स्नान करने से पाप धुल जाते हैं? तो उसने कहा हाँ धुल ही जाते होंगे, हमारे ग्रंथ कहते हैं और संतगण भी कहते हैं भाई पवित्र नदियों में स्नान करने से पाप नष्ट होते हैं। श्री महाराज ने कहा अच्छा, यानी तुमको इतना तो विश्वास है कि पवित्र नदी में स्नान करने से पाप धुलते हैं, तो ऐसा करो कि ये बताओ पाप रहते कहाँ हैं? वो बोले हमें क्या पता कहाँ रहते हैं, लेकिन हम तो धोने जाते हैं। हमारी महाराजी ने कहा ठीक है, ऐसा करो कोई एक बोतल लो शीशी, उसमें कोई गंदा सामान भर दो, कोई गंदा सामान पेशाब भर दो, उसकी टाइट पैकिंग कर दो और उस बोतल को आप डाल दो गंगा जी में, मतलब उसको किसी से धागे से बांध के डाल दो, 10 दिन 15 दिन 1 महीना जितना तुम्हारी मर्जी हो, फिर उसको निकाल के आप आचमन करो। और जी ऐसे कैसे आचमन करें, क्यों गंगा जी में गया है ना वो,
अरे वो तो गई है बोतल, लेकिन उसके अंदर जो भरा है वो तो मिला नहीं गंगा जी से। तो लेकिन बोतल तो गई है ना? हाँ बोतल तो गई है, तो फिर कर लो आचमन। अजी नहीं जी, वो तो ऐसे कैसे आचमन कर ले, वो तो बोतल के अंदर बंद है गंदी चीज, उसका कैसे आचमन करे। तो हमारे महाराज जी ने कहा ठीक इसी प्रकार से तुम्हारे अंतःकरण के अंदर गंदगी भरी है, तुम्हारी शरीर में थोड़ा भरी है, और तुम धोने जा रहे हो शरीर को बॉटल को, और बॉटल के अंदर भरी है गंदगी, उसको साफ करना है ना। तो वो कैसे साफ होगा? वो तब साफ होगा जब आपका मन भगवान से जुड़ जाएगा, जब बॉटल के अंदर की गंदगी जब गंगा जी से मिल जाएगी तब वो गंगा जी बन जाएगा, उसके पहले नहीं। तो जब तक तुम्हारे मन डुबोया नहीं तुमने भगवान में, तो ये तुम्हारा मन शुद्ध होगा कैसे, तुम्हारे पाप जाएंगे कैसे? तो देखिए इस मन को डुबोना है, यह सिद्धांत जगत गुरु कृपालु जी महाराज ने ही बताया, और कैसे डुबोना है यह भी बताया कि रूप ध्यान करो, मन से ध्यान बनाओ, और जब मन से उनका ध्यान बनाओगे, उनका रूप बनाओगे मन के द्वारा, तो धीरे धीरे पहले लगेगा नहीं, पहले रूप भी नहीं बनेगा उनका, मेहनत करनी होगी, थोड़ा प्रयास करना होगा। मन के द्वारा रूप बनाइए, मूर्ति का नहीं, सजीव मूर्ति तो केवल हमारे सहयोग के लिए है, ताकि हमारा मन उनमें जुड़े, फिर हम हमारे मन में ऐसे विचार पैदा हों कि काश ये प्रत्यक्ष हमारे पास होते, काश हम इनका स्पर्श करते, इनका रूप देखते, इनको कुछ खिलाते। फिर इस प्रकार की भावनाएं जब पैदा होंगी तो धीरे धीरे हमारा मन उनसे जुड़ जाएगा, और जब मन जुड़ जाएगा तो धीरे धीरे आपका मन में व्याकुलता पैदा होगी उनको प्राप्त करने की, और जब व्याकुलता पैदा होगी उनको प्राप्त करने की, तो फिर आपकी दशा कुछ अलग हो जाएगी, फिर आपका मन दिन रात उनके विषय में सोचने लग जाएगा, और जब सोचने लग जाएगा उनके विषय में उतना ही प्रेम बढ़ता चला जाएगा, और जितना प्रेम बढ़ेगा आपका भगवान से उतना माया के विकार कम होते चले जाएंगे, और जितने माया के विकार कम होंगे ये किसी से पूछना नहीं है, खुद ही को पता चलेगा। क्या मुझे इतना क्रोध आता है जितना पहले आता था? अजी नहीं जी, अब तो काफ़ी अपने आप को मैं संभाल लेता हूँ। यानी जब भगवान से प्रेम होगा तो हमारे जो मन में इतने विकार भरे पड़े हैं, किसी के अंदर क्रोध का है, किसी के अंदर लोभ का है, अनेक प्रकार के विकार हैं, कोई अधिक मात्रा में, किसी का कम मात्रा में, लेकिन है सबके अंदर। जब तक हम माया के अंडर में रहेंगे ये रहेगा सब। तो ये विकार कम होने लग जाए तब जानिए कि हम ईश्वर से प्रेम करने लगे हैं। अगर ये नहीं हो रहा तो हमारा ये सोचना भ्रम है कि हम भगवान से प्रेम करते हैं। हाँ नथिंग से समथिंग ठीक है भाई, कुछ ना करने से कुछ कर रहे हैं, बाकी यदि हम कुछ भी कर लें, अगर भगवान से प्रेम नहीं किया तो तुम्हारा सारा करना जीरो। भगवान से प्रेम कर लिया और शरीर से आप कुछ भी नहीं कर रहे तब भी आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन आपने शरीर से सब कुछ कर लिया, चारों धाम की यात्रा की, गीता पढ़ी, भागवत पढ़ी, रामायण पढ़ी, माला जपी, अनेक तीर्थों में गए, पूजा पाठ किया, व्रत किया, ये सारे के सारे साधन आपके व्यर्थ चले जाएंगे यदि भगवान से प्रेम नहीं किया। हम लोग देखो व्रत रखते हैं ना, तो श्री महाराज जी ने बताया कि ग्रंथों में व्रत का मतलब है उपवास। उपवास शब्द का अर्थ है कि भगवान के पास जाना, भगवान के पास जाना, उनके टच में जाना मन के द्वारा, और शरीर को हल्का रखते हुए, यानी उस दिन कम खाना या हल्का खाना या ना खाना, और उस दिन ये व्रत धारण कर लेना कि भाई आज हम भगवान की भक्ति करेंगे। तो हम लोगों ने उल्टा अर्थ लगाया, हम लोगों ने क्या बताया होगा किसी ने, मूर्ख ने, कि भाई कुछ मत खाओ और एक टाइम खाना खूब तगड़ा, जो रोज नहीं खाते उससे भी हेवी वाला खा लेना।
पूरे दिन भर चिंतन करते रहते हैं, क्या खाएंगे शाम को, क्या खाएंगे, क्या बनाएं, क्या बनाएं, आज मारो व्रत है जी, भगवान का चिंतन नहीं। रोज तो फिर भी थोड़ा बहुत कर लेते थे, लेकिन आज नहीं, आज तो बनाएंगे जी, भूख लग रही है, पर काई करा, वो देखो चाय पी रही है, मारो मन कर रहे हो, कौन ही पीऊं, व्रत है। तो आपका मन तो खाने में है, संसारी पदार्थों में है, तो संसारी पदार्थ का ही आपको फल मिलेगा। हाँ, कभी किसी से कहते भाई कीर्तन में नहीं आए, हाँ व्रत था ना दीदी, तो कैसे आते, कैसे आते, व्रत था तो व्रत का मतलब क्या है, भगवान से प्रेम करेंगे, यही तो व्रत होता है। व्रत का मतलब क्या है, उस दिन पूरा दिन भगवान के लिए देंगे, तभी तो आप लोग करते हैं अनेक प्रकार के व्रत, कि उस दिन हम उसका व्रत करेंगे, शीतला माता का करेंगे, या जिसका भी आप करते हैं, जन्माष्टमी का करेंगे, राधाष्टमी का करेंगे, दुर्गा जी का करेंगे, गणेश जी का करेंगे, तो उस दिन पूरा दिन उनका ध्यान तो कीजिए। अजी उनका ध्यान क्या करना, बस खाएंगे नहीं, भगवान तो सब समझ जाता है। हाँ, भगवान इतना बेवकूफ नहीं है, उसको बेवकूफ नहीं बना सकता कोई भी, क्योंकि वो इधर ही बैठा है। संसार वाले बन जाते हैं, वो नहीं बनता, उसको पता है कि वो देखता है, अच्छा ये मेरे लिए व्रत रखा, वो भीतर बैठ के देखता है, सोच क्या रहा है दिन भर, मेरे विषय में तो एक मिनट भी नहीं सोचा इसने, तो बोलता है मेरे लिए नहीं किया झूठ। तो हम उनके लिए तो कुछ सोचते ही नहीं है, व्रत करते हैं, व्रत करना अच्छा है, उससे पेट की मशीन बहुत अच्छी रहती है, वो खुश हो जाती है कि चलो आज काई नहीं ठूसियो। हाँ, वो खुश हो जाती है कि रोज पता नहीं क्या ट्रम सट्रम डालता रहता, आज हम रिलैक्स करेंगे, आज हमारा हॉलीडे है। लेकिन उससे भगवान की प्राप्ति हो जाए या भगवान मिल जाए, ये नहीं हो सकता। उसके लिए तो एक ही मार्ग है कि भगवान से प्रेम करना होगा, प्यार करना होगा। कैसे, जैसे हम संसार में करते हैं, संसार में करना सबको आता है, ठीक वैसे ही उनसे करना है। और हमारे ग्रंथ तो ये भी कहते हैं, नवधा भक्ति में ये भी बताया गया है कि भगवान से प्रेम करो तो उनसे कोई रिश्ता बनाओ अपना। क्या रिश्ता बनाए, जो संसार में बनाते हैं ना, किसी का भाई नहीं तो क्या करता है, वो धर्म का भाई बना लेता है। ये धर्म का भाई क्या होता है, और जो हमारे को भगवान जी ने नहीं दिया तो कोई बात नहीं, हमने तो और बना लिया भाई, देखो भगवान जी ने नहीं दिया तो क्या हो गया, हमने यहाँ पे बना लिया। धर्म का भाई, धर्म की बहन, धर्म की पत्नी, है ना। तो ये हम लोग कर लेते हैं, है ना, बना लेते हैं। तो भगवान कहते हैं मुझसे भी रिश्ता बनाओ, मैं भी तो तुम्हारा हूं। तो भगवान से रिश्ता बनाना है, क्या रिश्ता बनाए, कि वो हमारे पुत्र हैं, वात्सल्य भाव का, एक शांत भाव का भी है, लेकिन वो भक्ति मार्ग वालों ने उसको रिजेक्ट कर दिया। शांत भाव में क्या है कि वो राजा है, हम प्रजा हैं, वो हमारा स्वामी है, हम उनके दास तो नहीं कहना चाहिए, हम उनके प्रजा हैं, ये शांत भाव है। इससे ऊंचा है दास्य भाव, यानी वो हमारे स्वामी, हम उनके दास नौकर, जैसे हनुमान जी वगैरह ने किया, उनको स्वामी माना, खुद को दास माना। इसके पश्चात है सख्य भाव, सख्य भाव में वो हमारे सखा हैं, दोस्त। इसके पश्चात है वात्सल्य भाव, वात्सल्य भाव का मतलब है वो हमारे, हम उनके माता पिता हैं, वो हमारा पुत्र है, पुत्र मान के जो प्यार किया जाए भगवान को, वो वात्सल्य भाव। जैसे किसी का दोस्त नहीं है तो क्या करें, उनको मानो, पुत्र नहीं है उनको मानो, अपना स्वामी कोई नहीं है वो है हमारे स्वामी। और उससे भी ऊंचा है माधुर्य भाव, इस भाव में जीव अपने आप को भगवान का प्रेयसी मानता है, और वो प्रियतम, जैसे गोपियों ने किया था ना, मीराबाई ने किया था, ठाकुर जी को अपना प्रियतम माना था और खुद को प्रेयसी माना था। और मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई,
जब ये दशा हो जाएगी, जब इस पोजीशन पर पहुंच जाएंगे, तब फिर हमें पूर्ण लाभ मिल जाएगा। और धीरे 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 जैसे जैसे ये पोजीशन आने लग जाएगी तो हम उनके प्रेम में डूबने लग जाएंगे। अभी जो मुंह से गाते हैं ना, मीठे रस से भरियोड़ी राधा रानी लगे, अभी नहीं लगती है, आप खाली वाणी से गाते हो। अगर वो लगी, अच्छा गाते भी कैसे, आंखें खुली हैं और गा रहे हैं। अरे जब तुम रस में डूब जाओगे तुम्हारी आंखें खुली नहीं सकती, इतना रस है उनके अंदर, इतना आनंद है। वो आनंद जब मिलेगा तब आप विभोर हो जाएंगे, आपकी आंखें खुली नहीं, आपकी दशा अलग हो जाएगी उस समय। तो अभी वो मीठे लगे नहीं हैं, मीठे हैं लेकिन रस से भरे हुए हैं, लेकिन वो रस तब मिलेगा जब चखेंगे, यानी जब हमारा मन चखेगा, उनके रस में डूबेगा, उनके रूप माधुरी में डूबेगा, उनमें जब हमारा मन का ध्यान जब अंदर बैठ जाएगा, जब आंख बंद करके उनका सजीव रूप में ध्यान करेंगे कि वो आपकी ओर देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, उनके बालों की अलकें हिल रही हैं, अलकें यानी बाल हिल रहे हैं, वो मुस्कुरा करके देख रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं आपसे, जब इस प्रकार से ध्यान करेंगे आप उनका बनाएंगे, तो धीरे धीरे वो छवि आपके भीतर बैठेगी। और जितना वो आपके भीतर बैठते चले जाएंगे उतना आपको उनसे लाभ मिलता जाएगा, रस मिलता चला जाएगा। और जब रस में जितना सराबर हो जाएंगे आप, फिर उस रस के आगे सारा रस फीका लगेगा। जो मोही राम लागते मीठे, तो षठ रस अनरस नव रस सब वह जाते सब फीके, जो मोही राम लागते मीठे। फिर तो सारे रस जितने भी हैं संसार के सब फीके लगते, अगर भगवान मीठे लगते तो ये एक प्रमाण है। तुलसीदास जी कहते हैं ना, तो देखो उनसे प्रेम करने का सरल सुगम साधन जगतगुरु उत्तम श्री कृपाल जी महाराज ने बताया। वे इस विश्व के पांचवें ओरिजिनल मूल जगतगुरु हैं, गद्दीधारी नहीं है, किसी की गद्दी पर नहीं है, वो स्वयं गद्दी पर बैठे हुए वाले नहीं है, वो मूल हैं, यानी उन्हें जगतगुरु की उपाधि मिली है। आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व वल्लभाचार्य जी भी जगतगुरु ही थे, वो स्वयं भगवान के अवतार थे। माधवाचार्य जी को 700 वर्ष पूर्व मिली थी जगतगुरु की उपाधि, उनके पश्चात जगतगुरु कृपालु जी महाराज को, ये विश्व के पांचवें ओरिजिनल मूल जगतगुरु हैं। और जगतगुरु ही नहीं, जगतगुरु उत्तम की उपाधि, यानी वो चार जगतगुरु हुए उनसे भी उत्तम। क्यों? वो इसलिए क्योंकि चारों जगतगुरुओं ने अपनी अपनी फिलॉसफी रखी, ग्रंथों का समन्वय नहीं किया था, जो इतना विरोधाभास है शास्त्र वेदों में, उनका समन्वय नहीं किया था। और हमारे श्री महाराज जी ने समस्त वेद शास्त्रों का ही नहीं, अन्य जितने भी ग्रंथ हैं उन सब का समन्वय किया और हम लोग के सामने बताया कि ग्रंथ क्या बता रहे हैं, क्या आदेश दे रहे हैं करने के लिए, जो जन साधारण के लिए भी सुलभ हो, ऐसा मार्ग बता करके वे हमें गए हैं। और ऐसा नहीं है कि वे चले गए, आज भी यदि कोई मन के द्वारा उन्हें गुरु मानता है तो आज भी वे योगक्षेम वहन करते हैं, आज भी हम सभी जो उनसे प्यार करते हैं, जो उन्हें गुरु रूप में वर्ण किया है हम लोगों ने जगतगुरु कृपाल जी महाराज को, उनका योगक्षेम वो आज भी वहन करते, आज भी यह रियलाइज होता है कि हाँ वो हमारा हर चीज देख रहे हैं, हर बाधाओं से बचाते हैं, समय समय पर महसूस होता है कि हमें मार्ग दिखला रहे हैं। तो जितने जगतगुरु हुए हैं, जैसे शंकराचार्य जी हुए, ये शंकर जी के अवतार थे,
इन्हें भगवान ने आदेश दिया था, जाओ संसार में बहुत पाखंड फैल रहा है, जाके लोगों को, क्योंकि वेदों का अनर्थ हो रहा था, वेदों के नाम पर पशुओं की बलि दी जा रही थी, तो जाओ लोगों को कहो वेदों के विरुद्ध बोल करके, उनको वेदों से हटा करके और ब्रह्म की तरफ ले जाओ, यानी निर्गुण निराकार ब्रह्म की ओर ले जाओ, सगुण साकार भगवान से मोड़ करके। तो उन्होंने आदेश का पालन करते हुए शंकराचार्य जी ने वेदों के विरुद्ध अपना सिद्धांत बनाया। इनके पश्चात हुए निम्बार्काचार्य जी, यह भी साधारण नहीं थे, ये भी सुदर्शन चक्र के ही अवतार थे, भगवान के आदेश को मान करके ही वे हम लोगों के बीच आ करके और हमें जगा कर गए। लेकिन हम लोग ऐसे ना जागते हैं फिर सो जाते हैं। इनके पश्चात तीसरे जगतगुरु आए रामानुजाचार्य जी, यह भी साधारण नहीं थे, बलराम जी के अवतार थे, भगवान के आदेश से ही हम लोग के बीच आकर के जगतगुरु बन करके और हम लोग को बताया क्या करना है, कैसे ईश्वर भक्ति करें, इसका आदेश देकर गए, बता के गए, सिद्धांत बना के गए। इनके पश्चात माधवाचार्य जी आए, ये भी साधारण नहीं थे, हनुमान जी के अवतार थे ये भी, इन्हें भी भगवान ने आदेश दिया था और आकर के हमें भगवान से प्यार करने का, प्रेम करने का सिद्धांत समझा कर गए, बता के गए, सिखा के गए। और इनके पश्चात जगत गुरु कृपालु जी महाराज। तो जब चार जगत गुरु साधारण नहीं थे और ये जगत गुरु तम हैं, इसका मतलब साफ है कि ये भी भगवान के ही अवतार थे, जो हम लोगों को बताने, जगाने, समझाने आए और बहुत बड़ा उपकार करके गए। आप लोग जो नहीं सुनते प्रवचन, वो सुन के देखिए, संस्कार में, आस्था में, सब में महाराज जी का प्रवचन आता है, आप लोग खुद एक महीना सुन के देखिए, आप खुद समझ जाएंगे कि इनकी नॉलेज क्या है। खैर नॉलेज की बात नहीं है यहाँ पर, लेकिन जो एक एक वाक्य जो वे बताते हैं प्रवचन में, वो सीधा हृदय में स्पर्श करता है। बाकायदा वेद शास्त्रों के नंबर बता करके, ताकि किसी को डाउट ना हो, बेचारा कहाँ खोजेगा कि कहाँ लिखा है, ताकि कोई डाउट ना करे, तो नंबर बता करके बताते हैं कि उसमें देख सकता है कोई, और कोटेशन देते हैं और बताते हैं भगवान ने क्या करने का आदेश दिया है, ग्रंथ क्या करने का आदेश दे रहे हैं। तो अब हम ये नहीं कह सकते अजी हमें पता ही नहीं हमें करना क्या है, बता के वो चले गए। अब हमें अपनी लापरवाही बंद करते हुए और हमें जो मार्ग बताया गया उस पर चल के देखना है। अरे एक महीना भी, हमारे श्री महाराज जी कहते हैं कि जिस प्रकार से बताया गया है, एक महीना भी कोई करके देख ले तो खुद को पता चल जाएगा कितना बड़ा परिवर्तन आ गया। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सुनते तो हैं, मानते भी हैं, लेकिन फिर वही करते हैं जो हमें करना होता है। हम गलत लोगों के प्रवचनों को भी सुनने लग जाते हैं, जो बेचारे अटकल पच्चू बोलते हैं, तो गलत बात चूंकि जल्दी दिमाग में बैठ जाती है हम लोगों के, इसलिए श्री महाराज जी मना करते हैं कि नहीं सुनना चाहिए। सही बात को समझने के लिए बहुत टाइम लगता है, गलत बात बहुत जल्दी बैठ जाती है दिमाग के अंदर, क्योंकि हमारी बुद्धि सदैव गलत चीज को एक्सेप्ट करती है ना। तो उनके प्रवचन को एक महीना यदि कोई सुन ले ढंग से, ध्यान पूर्वक, तो आपको खुद को रियलाइज हो जाएगा। अगर अगर आपको फिर भी डाउट है, भाई इतना टाइम नहीं है, जो भी, पहली बात तो सुन के देखिए, फिर भी नहीं है तो जो हम तीन चीज बता रहे हैं ऐसा करके देख लीजिए, आप जिस प्रकार से बता रहे हैं वैसा ही करिएगा। एक महीने में लाभ ना मिले तो हम भी यहाँ बैठे हैं, आप भी आए, आके हमसे प्रश्न करिएगा क्या करना है। पहला, भगवान का मन के द्वारा ध्यान बनाइए, ये मैं चैलेंज के साथ कह रही हूँ, बहुत लाभ मिलेगा।
बहुत प्यार बढ़ जाएगा भगवान से। प्रैक्टिकल बात बता रही हूं, मन से उनका ध्यान बनाइए, उनका रूप बनाइए मन के द्वारा, और रूप बना करके जितना सुंदर बना सकते हैं उतना सुंदर बनाइए मन के द्वारा। क्योंकि हमारा प्रश्न रहता है भगवान को देखा नहीं तो कैसे रूप बनाए, मैं तो कहती हूँ देख लोगे तब भी नहीं बना पाओगे। तो भगवान ने बड़ा सुंदर सा हम लोग की समस्या का समाधान किया है ग्रंथों में कि मन के द्वारा बना लो। और देखो जो मैं जो ध्यान बता भी रही हूँ ना, ये भागवत में भी है, प्रहलाद जी ने भी यही किया था, उनके प्रकरण में पढ़ लीजिएगा आप। तो मन से उनका रूप ध्यान बनाइए और सजीव रूप में, मूर्ति रूप में नहीं, सजीव रूप में, वो देख रहे हैं, उनकी पलकें हिल रही हैं, मुस्कुरा रहे हैं, मेरे पास खड़े हैं, मुझसे बात कर रहे हैं, मैं उनको देख रही हूँ। मन के द्वारा रूप बनाइए उनका पहले, बड़ा सुंदर सा, जितना सुंदर आप बना सकते हैं उतना सुंदर। कोई मूर्ति अच्छी लगी, हाँ ये मूर्ति अच्छी, हाँ अब इन भगवान का ध्यान कीजिए, पर मूर्ति का नहीं, सजीव रूप में वो आपको देख रहे हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं, कुछ बोल भी रहे हैं, वो मेरे पास आ गए। अब नासिका से उनके दिव्य सुगंध को सूंघने की कोशिश कीजिए। शुरू शुरू में भले लाभ ना मिले, लेकिन धीरे धीरे मिलेगा, क्योंकि जैसे जैसे श्रद्धा बढ़ेगी, जैसे जैसे विश्वास बढ़ेगा, वैसे वैसे लाभ मिलेगा। और उनका ध्यान कीजिए, फिर अब वो आ गए आपके पास मन के द्वारा, तो अब आप उनके गुणगान गाइए, यानी कीर्तन कीजिए, लेकिन अटकल पच्चू वाले नहीं जो संसार में चलते हैं, वास्तविक महापुरुष के। मीराबाई का ले लो, कितने सारे महापुरुष हुए हैं, क्योंकि जब इन महापुरुषों के कीर्तन को आप गाएंगे ना, तो महापुरुषों ने नहीं लिखा, वो भगवान के द्वारा लिखा हुआ है, इसलिए उस कीर्तन में पावर है, शक्ति है भगवान की भरी हुई। तो जब उसको गाएंगे आप भजन को, तो वो भजन भी आपको भगवान में लगाने में मन को सहायक बनेंगे। तो वही भजन गाना है महापुरुषों के, ये अटकल पच्चू जो बनाते हैं वो नहीं, उनमें तो कुछ है ही नहीं, वो तो खाली थोते थोते, उनमें कुछ नहीं मिलेगा आपको। महापुरुषों के भजनों को गाइए, सूर मीरा तुलसी कबीर तुका, कितने संत हुए उनके हैं भरे पड़े, उनके भजनों को लेकर के पहले सर्वप्रथम भगवान का रूप बनाइए, सामने खड़ा कीजिए, बिठाइए सिंहासन पे, फिर उनके गुणगान गाइए। जैसे आप लोग के कोई गुणगान गाता है, आपकी बड़ाई करता है, आपको कितना अच्छा लगता है, फूल जाते हैं, जबकि वो झूठी बुराई कर रहा है आपकी, कुछ बहुत बड़ा स्वार्थ है इसलिए कर रहा है बेचारा, तो आप ऐसे बोलते हैं हाँ हाँ बहुत अच्छा आदमी, क्यों, वो तुम्हारी तारीफ कर रहा है इसलिए। अगर किसी ने आपकी गलती दिखा दी तो बड़ बुरा है जी, बल्कि वही आपका सच्चा हितैषी है जो बुराई दिखा रहा है। हाँ कबीरदास जी कहते हैं ना कि जो तुम्हारी बुराई कर रहा है उसको तो आंगन कुटी छबाए, उसको तो अपने आंगन में बिठा के रखिए, ताकि आपकी सफाई करता रहेगा वो दिल की मन की। तो जब आपकी कोई तारीफ करता है आप बड़े खुश होते हैं, ऐसे ही जब भगवान के गुणगान गाते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, उनके गुणों का बखान करते हैं, तो भगवान भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो गुणों की खान है। इसलिए हम तो अवगुणों की खान है ना, हमारी कोई बड़ाई करे इसका मतलब बेकार कर रहा है वो बड़ाई, हम है नहीं काबिल, वो बड़ाई कर रहा है, लेकिन भगवान तो गुणों की खान है, तो यदि उनकी हम बड़ाई कर रहे हैं तो सही है। तो उनके गुणगान गाना है, कीर्तन भजन का मतलब है गुणगान गाना। आपने जितने भी वास्तविक संतों के भजन सुने होंगे उसमें क्या है, यही तो है कि मैं अधम हूँ, नीच हूँ, पापी हूँ, यही सब है। अपने आप अपने गुनाह को बता रहे हो, भगवान की बड़ाइयाँ कर रहे हैं कि तुम तो अकारण करुण हो, अधम उदाहरण हो, पतित पावन हो, दीनानाथ हो, यही सब तो है वास्तविक महापुरुषों के भजनों में। तो जब उनके गुणगान गाना है, मन से ध्यान करना है, उनके गुणगान गाना है, और उनके गुणगानों को ही सुनना है, यानी श्रवण, सुनना, कीर्तन, स्मरण, ये तीनों को जब करेंगे
तो आप खुद एक महीना करके देखिए, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आपको, अकेले में एकांत में बैठ करके जहाँ पे कोई डिस्टरबेंस ना हो वहाँ पे बैठ करके जब आप करेंगे तो फिर आप देखिएगा कितना लाभ मिल रहा है। इतना लाभ मिलेगा फिर ना आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत है, ना कुछ सुनने की ज़रूरत है, ना कुछ करने की ज़रूरत है। फिर जो आपको लाभ मिलेगा वो ऐसा लाभ मिलेगा कि वो मैं नहीं बता सकती, वो आप खुद महसूस करेंगे। तो ये सब साधनाएं हमारे ग्रंथों में वर्णित है, जिसे चुन चुन करके निकाल लिए श्री महाराज जी ने और हम लोग के सामने प्रस्तुत किया कि इस प्रकार से करो। बाकी हम जितना भी करते हैं, जितना भी परिश्रम करते हैं, भगवान भी हंसता है, संत भी हंसता है कि इतना परिश्रम कर रहे हैं, तीर्थों में जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, और उसके बाद में क्या करते हैं, आने के बाद बुराइयाँ करते हैं आप लोग। अजी हम वहाँ गए थे वृंदावन, हमारा तो मोबाइल खो गया, तो क्या करें। अजी वो पंडे ने इतना ठग लिया, उसने इतना ले लिया, उसने वो ले लिया। अरे तुम गए कहाँ थे, भगवान के तीर्थ में गए थे ना, क्यों क्यों गए थे आप। अजी वहाँ भगवान का वास हुआ था, तो क्या आपने भगवान को देखने का प्रयास किया, आपने वो सब तो किया नहीं, आपका कुछ गुम हो गया बस। वो तो यहाँ पे भी हो जाती है चोरियाँ, तो वहाँ पे भी हो गई, तुमने नहीं दिया दान तो भगवान ने अपने आप ले लिया, इसमें दुख क्या, तुमको तो खुश होना चाहिए, चलो भाई हम दिए नहीं, कंजूस हैं, अपने आप ही ले लिया, भगवान जय हो। वो ना करके हम तीर्थों की बुराइयाँ, ये सबसे और अपराध लग जाते हैं और पाप कमा के आ जाते हैं। तो कहीं जाने की जरूरत थोड़ा है, तुम अपने घर में भी बैठ के कर सकते हो, लेकिन जब तक मन नहीं जुड़ जाता, नहीं लग जाता, तब तक किसी वास्तविक महापुरुष की भी आवश्यकता है। और यदि नहीं मिला कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, भगवान से प्रार्थना कीजिए, वो अवश्य ये पुकार सुनेगा और किसी वास्तविक संत से मिला देगा जो आपको भगवान के चरणों तक पहुँचा दे, क्योंकि वो ये वाक्य जरूर सुनता है भगवान। तो उन्हीं से प्रार्थना करते रहिए और जिस प्रकार से साधना बताई ऐसी भी करते रहिए, तो बहुत लाभ मिलेगा, आप लोग करके देखिएगा। ये सब सिद्धांत श्री गुरुदेव ने, महाराज जी ने समस्त वेद शास्त्रों से चुन करके निकाल के हमारे सामने प्रस्तुत किया है। ये मैंने बहुत सरल रूप में बताया है, बाकी डिटेल तो हमारी 15-15, 20-20 दिन लेक्चर देते हैं तब जाके पूरी हो पाती है। तो ये करना है, इसको करने से लाभ मिलेगा, और वो जब लाभ मिलेगा फिर आप देखिए कि क्या रस मिलता है, फिर आप कह सकते हैं हाँ मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे। उसके पहले जब आप गाएंगे ना तो खाली यहाँ से गाएंगे और यहाँ से गाने का कोई महत्व नहीं है। द सोल इज नॉट टू बी सेटिस्फाइड विद द मल्टीट्यूड ऑफ वर्ड्स बट अ होली लाइफ इज ए कंटिन्यूअल फीस्ट। द किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट इन वर्ड्स। भगवान के राज्य में हमारे शब्दों का कोई महत्व नहीं है। हम शब्दों से तो बहुत बड़े बड़े वाक्य बोल जाते हैं लेकिन वो भगवान नहीं सुनता। अगर वो शब्दों की वाणी सुनता होता तो फिर हमको अनंत बार भगत प्राप्ति हो गई होती, भगवान मिल गए होते। लेकिन भगवान को पाने का एक ही साधन है, मन को जोड़ना। ये मन को जोड़ना जिस दिन हो जाएगा बस काम बन जाएगा। तो इसी मन को जोड़ना है, और ये जोड़ने का मैंने मार्ग जो मेरे गुरुदेव ने हमको बताया वही मैंने आपको बताया। करोड़ों लोगों ने लाभ लिया है, और अगर हम भी ईमानदारी से करेंगे तो हमको भी लाभ मिलेगा। ऐसा आप लोग करके देखिएगा, बहुत लाभ मिलेगा। तो आज हम लोगों के लिए बड़ी खुशी का दिन है कि आज हमारे श्री गुरुदेव को जगत गुरु उत्तम की उपाधि से सम्मानित किया गया था। और जगत गुरु उत्तम का मतलब ही होता है कि जो साधारण ना हो, भगवान का अवतारी हो, उसे ही जगत गुरु उत्तम की उपाधि मिलती है, और वही जगत गुरु होता भी है। तो आज चूंकि हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, तो हम उनके बनाए हुए कीर्तन को करते हैं। और जैसा मैंने अभी बताया ना, मन के द्वारा ध्यान करने की कोशिश कीजिए, कीर्तन को गुनगुनाइए, जो उनके द्वारा लिखा हुआ है उसमें
बहुत गूढ़ ज्ञान प्लस उसमें पावर होगी, उसका असर भी होगा, तो उनके बनाए हुए कीर्तन को करते हैं। जय सद्गुरु महाराज जयति जय। जय सद्गुरु महाराज जयति जय। जयति जय। जयति जय। सद्गुरु महाराज जयति जय। जय सद्गुरु महाराज जयति जय। छके महाराज।
देत प्रेम रास बर बास पतितार देत प्रेम रास गुरु देत प्रेम रास गुरु सरताज जयति जय आस रसिकान सरताज जयति जय जय सद्गुरु महाराज जयति जय जय सद्गुरु महाराज जयति जय डूबत ब्रजराज जयति जय प्रेम सिंधु ब्रजराज जयति जय प्रेम सिंधु ब्रजराज जयति जय प्रेम सिंधु ब्रजराज जयति जय जयति जय जयति जय जय सद महाराज जयति जय जय सद्गुरु महाराज जयति जय हाँ कृपालु गुरु चरण शरण गाही
भायो धान्य जग आज जयति जय भायो जयति जय जय सद्गुरु महाराज जयति जय सद्गुरु महाराज जयति सद्गुरु महाराज जयति जय जय सद्गुरु महाराज जयति जय। उन्हीं का बनाया हुआ एक भजन है मेरे श्री गुरुदेव का। अब तो कृपा करो श्री राधे, 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 ओ अब तो कृपा करो श्री राधे, अब तो कृपा करो श्री राधे, तुम्हारे द्वार परो 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 राधे 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 अब तो कृपा करो श्री राधे, अब तो कृपा करो श्री राधे, ओ अब तो दया करो श्री राधे,
अवगुण चित न धरो श्री राधे, अवगुण चित न धरो श्री राधे, अवगुण चित न धरो श्री राधे, अवगुण चित न धरो श्री राधे, मम पापन न डरो 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 श्री राधे, राधे 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 राधे, ओ राधे 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 राधे, अब तो कृपा करो श्री राधे, अब तो कृपा करो श्री राधे, अब तो दया करो श्री राधे, अब तो दया करो करो श्री राधे, अब तो कृपा करो श्री राधे, ओ राधे 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 राधे, ओ राधे 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 राधे, ओ अब गुण चित न धरो श्री राधे, अब गुण चित न धरो श्री राधे, अब गुण चित न धरो श्री राधे, अवगुण चित न धरो श्री राधे, मम उर महाविहरो श्री राधे, मम उर महाविहरो श्री राधे 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 राधे, अब तो कृपा करो श्री राधे, अब तो कृपा करो श्री राधे, ओ अब तो दया करो श्री राधे,
अब तो दया करो श्री राधे, अब तो कृपा करो श्री राधे, अब तो कृपा करो श्री राधे, ओ अब तो दया करो श्री राधे, अब तो दया करो श्री राधे। बोलिए जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु की जय। जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु की जय। सद्गुरु सरकार की जय। युगल सरकार की जय। प्यारी प्यारी अम्मा की जय। जय जय, 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 जय।